सत्युग में तो देखो कोई भी पुकारेगा नहीं, किसको? भगवान को। द्वापर कलयुग में पुकारते हैं, संगम युग में भगवान जब आते हैं तो अपने आप आते हैं या पुकारने के बाद आते हैं? हैं? अपने आप आते हैं। और तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल आती है और ब्रह्मा में शिव बाबा आते हैं, तो पुकारने से आते हैं, आवाहन करने से आते हैं या अपने आप आते हैं? आवाहन करने से आते हैं। तो आवाहन करने से भूत प्रेत भी आते हैं, आवाहन करने से देवताएं भी आते हैं। आवाहन करना जो होता है वो देह अभिमानियों को आवाहन करना होता है। आत्मा अभिमानी जो सदैव है, जिसको कहते हैं सदाशिव, उसको कोई मान मर्तबा लेने की दरकार नहीं है, वो तो बिना बुलाए आता है। ऐसे नहीं कि वो निमंत्रण दिया जाएगा तब वो आएगा। 63 जन्म भी वो निमंत्रण देने पर नहीं आया, जब आया तो अपने आप आया। तो बाप जब प्रवेश करते हैं तो कोई को पता नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं, और मनुष्य आत्मा जब प्रवेश करती है तो सबको पता चल जाता है, चेहरा मोरा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है। सुप्रीम सोल तो ज्योति बिंदु, उनको तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं तो स्थूल शरीर भी नहीं, तो दबाव किस चीज का पड़ेगा? वो तो हल्की फुल्की आत्मा है, जिस तन में भी प्रवेश करती है उसका नाम ब्रह्मा रखती है और ब्रह्मा के द्वारा वो आकर के बोलती है। अब वो चाहे ब्रह्मा माँ के रूप में हो और चाहे वो ब्रह्मा टीचर के रूप में हो, टीचर के रूप में आकर के गीता ज्ञान का क्लेरिफिकेशन देते हैं। क्लेरिफिकेशन जब देते हैं तो एक एक मुरली के महावाक्य का हिज्जे हिज्जे करके समझा देते हैं। मुरली का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं रह जाता जो कोई ब्राह्मण समझ न सके, और बाप एक एक बात क्लियर करके समझाते। देहधारी धर्म गुरुओं की सभा में कोई बीच में प्रश्न नहीं कर सकता, सवाल जवाब नहीं कर सकता, और बाप कहते हैं मैं तो थोड़े थोड़े बच्चों को आकर के समझाता हूं, मैं लाउड स्पीकर पर आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाता, मैं थोड़े थोड़े बच्चों को इसलिए समझाता हूं कि बच्चे अपनी एक एक शंका का समाधान कर सके। तो कितना अंतर है उन गुरुओं में, कितना अंतर है और बाप की पढ़ाई में कितना अंतर है, ये सब बातें बच्चों के ध्यान में रहनी चाहिए।